सामने आ रही है। रायपुर से खबर है जहां पर आपातकाल को लेकर बीजेपी का संगोष्ठी, तो बड़ी जानकारी आपको दे दी कि रायपुर एकात्म परिसर में शाम 4 बजे संगोष्ठी होगी। मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे धर्मलाल कौशिक। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। रायपुर जिले के बीजेपी के तमाम पदाधिकारी इस संगोष्ठी में मौजूद रहेंगे और रायपुर एकात्म परिसर में शाम 4 बजे ये संगोष्ठी होगी। तो इसी बीच हमारे ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से रायपुर से इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की संगोष्ठी होगी, वो भी शाम 4 बजे, क्या कुछ होगा इसमें और कौन कौन अधिकारी जो है यहाँ पर शामिल हो सकते हैं और कौन से बड़े चेहरे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं? अभिषेक, दरअसल 25 जून दो को आपातकाल लागू हुआ था ना इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, तो इसे लेकर भाजपा संगठन जो है वो सड़कों पर उतर आई है। इसके अलावा कल लगातार वो प्रदर्शन भी कर रहे थे लगातार। 25 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किया था, काला दिवस के तौर पे उन्होंने मनाया था। इसी कड़ी में आज जो संगोष्ठी हो रही है जिसमें नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक शामिल होंगे, तो इस संगोष्ठी के माध्यम से एक बार फिर उन पलों को याद किया जाएगा कि किस तरह से क्या परिस्थितियां उस दौरान रही, किस तरह से आपातकाल के दौरान जो जनसंघ के जो नेता है वो किस तरह से लड़े। तो भाजपा जो है इसी मुद्दे को लेकर सामने आ रही है और लगातार इस संबंध में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल ओम प्रकाश जी, लगातार कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से, जो आपातकाल को लेकर बीजेपी का संगोष्ठी है और रायपुर एकात्म परिसर में शाम 4 बजे संगोष्ठी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखी गई है। मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे धरमलाल कौशिक। आपको बता दें नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक जो है वो मुख्य वक्ता के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, रायपुर एकात्म परिसर में शाम 4 बजे संगोष्ठी रखी गई है।